बहुत बड़ा दिन ऐसे है क्योंकि आज हम पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। एक गाड़ी में कितने ही आएंगे और सब हमें पहुंचना भी ऑन टाइम है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रजवीर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो आज गाइस, आज है बहुत बड़ा दिन हमारे लिए। बहुत बड़ा दिन कैसे है बताओ? बहुत बड़ा दिन ऐसे है क्योंकि आज हम पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, मतलब मेरे मम्मी पापा भी, और वो उन लोगों के लिए, मम्मी पापा के लिए, मतलब मोस्टली सबके लिए है ना। ऐसा ये लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो व्लॉग में बने रहे, बताते हैं आपको। वैसे थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा, फिर भी हम थोड़ा सस्पेंस बनाना चाहते हैं। थंबनेल भी लगा देते हैं और सस्पेंस भी बना रहता है। ये कैसा सस्पेंस? कोई बात नहीं, क्या पता हमने थंबनेल ना लगाया वैसा, है ना? वो तो हमें बाद में पता चलेगा हम कैसा थंबनेल लगाएंगे। थंबनेल कंटेंट पूरी फैमिली के साथ कहाँ गए? हाँ, और तो पूरी फैमिली में मतलब वही है कि मम्मी पापा मेरे साथ, टोटल हम 11 हैं। 11 लोग सारे फैमिली वालों को मिला के, जिसमें से हमारी किट तो नहीं है, बस एक दो है नहीं उनमें से। अभी फिलहाल हमारा तो है, मतलब 11 का, आगे देखते हैं कि पहुंच कौन कौन पाता है। हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि हम सबको वो करके तो हम जा नहीं सकते उस टाइम पे। एक गाड़ी में कितने ही आएंगे और सब हमें पहुंचना भी ऑन टाइम है, तो देखते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और मैं लगता हूँ अपनी पेंटिंग में, सिस्टर स्कूल जा चुकी है, उसको भी जाते हुए हम जल्दी ही पिक करते हुए जाएंगे क्योंकि उसकी छुट्टी होगी लेट और हमें जल्दी निकलना है, मतलब 1 बजे के करीब निकलना है। तो उससे पहले मैं अपना जो भी काम वाम है वो सब खत्म कर लूं। मोस्टली 1 बजे निकलना है, इसका मतलब दोपहर में आज मेरा सोना नहीं होगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं जाती हूँ सोने के लिए। एक घंटा ऐसे रहे मस्त, 1 घंटा जैसे पता नहीं क्या क्या करने जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ या पता नहीं। सोना इतना अच्छा क्यों लगता है इसको? बहुत अच्छा लगता है। चलो ओके, चलो गाइज फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइज नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ, फर्स्ट क्लास जाने की तैयारी हो चुकी है और अब करना है लंच। देखो कॉल आ गया, 1 मिनट। तो गाइज अभी फोन आ गया था बीच में, तो अभी जल्दी से लंच करना है, फिर सिस्टी को लेके और फिर पहुंचना है। और अभी ये रेडी नहीं हुई है, देखो खाना खाने बैठ गई है। ये दिखा दो, शक्ल दिखाना, चला मेकअप हो गया है, बस ऊपर से कपड़े चेंज करने हैं। हाँ तो फिर यहाँ बैठ के खराब नहीं होते, नीचे बैठ के ओहो फ्रेश हो जाते मेरे प्रेस के कपड़े, खाना खा के बर्तन साफ करके। तो गाइज मैंने तो चेंज कर लिया है, देखो भाई पैंट और जींस में सिंपल शर्ट पहनी है। क्यों? अब मैं बता नहीं सकता, अब वो मैं बता नहीं सकता। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। कमेंट करके बताना कि इसको भाई मेरी बात समझ में आ गई, इसको नहीं समझ में आई। कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है, पौने 2 हो रहे हैं और सीएनजी भी नहीं है गाड़ी में। सो गाइज हम निकल चुके हैं, जैसे कि आपने देख लिया था, सिस्टी को भी हमने पिक कर लिया है। वो यूनिफॉर्म में ही है और उसके कपड़े तो मैंने रखे थे, लेकिन यूनिफॉर्म चेंज कराने का भी टाइम नहीं मिला। आगे देखते हैं करा पाती हुई या नहीं। बस देखो बस, वाह वो सीन है लेने वाला, तो देखो निकल गए। ओ वाह, ये सीन है लेने वाला, तो ऐसे कौन बोलता है? बहुत बढ़िया सीन है, मैं दिखा रहा हूँ कि बाद में कह रहा, बस में कैसे लग रहे हैं सारे। एक्चुअली हम लेट हो चुके हैं, बाकी सब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेट नहीं हुए हम, टाइम लेट नहीं हुए, टाइम पे पहुँचे हैं हम, बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे मतलब। और वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, बता दूँ? चलो मैं बता देती हूँ, हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं आज मूवी देखने, फर्स्ट टाइम। मैं बताता हूँ किसका फर्स्ट टाइम है, निक्कू का फर्स्ट टाइम है। थिएटर में फर्स्ट टाइम है, अभी तक इसने मूवी नहीं देखी है। मम्मी पापा का फर्स्ट टाइम है, मम्मी पापा ने देखी है अपने टाइम में, देखी है जब वो होते थे ना हॉल में देखते थे पहले। तो हम जैसे कि पता है कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे जो भी आसपास हॉल थे ना, मम्मी जैसे मम्मी बताती है, मम्मी की नई नई शादी हुई थी, पापा ने बहुत मूवी दिखाई है मम्मी को। वो कितने साल बाद अब देख रहे हैं वो आप उनसे पूछ, वो उनसे पूछ के बताएंगे कि कितने साल बाद देख रहे हैं। आई मतलब मॉल में वो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। और हम टोटल 11 मेंबर्स जा रहे हैं, तो सबको प्लानिंग करके सारी चीजें, ये मेरी प्लानिंग थी कि पूरी फैमिली को लेके चलते हैं, तो टोटल 11 मेंबर है। 11 वो सब पहुंच चुके हैं
और हम पहुंच रहे हैं रास्ते में बस। वो नहीं, वो भी पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ा, वो भी पहुंचेंगे साथ साथ पहुंच जाएंगे, तो बस दो तीन मिनट में हम पहुंच जाएंगे। फिर मिलवाते हैं सबसे अगर हमारे पास टाइम रहा तो अंदर एंट्री करने से पहले, बाकी फिर इंटरवल में मिल लेंगे। तो चलो मिलते हैं, आपको भी दिखाते हैं मूवी। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? नहीं नहीं निकली नहीं है। तो गाइस हम पहुंच गए ऑन टाइम, बस ऊपर पहुंच रहे हैं, सारे ऊपर ही मिलेंगे। चलो चलो चलो। तो गाइस मूवी खत्म हो गई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मम्मी कैसी लगी मूवी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। कितने टाइम बाद देख रहे हो वैसे? मैंने तो देखी थी हम आपके, हम आपके, हम आपके कौन, अब अंदाजा लगा ले रहे कितने साथ जाते ना। पता है सबकी ना बाद में क्लास लगी थी, नानी ने ना नहीं 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 वो तो उन्होंने वो देखी थी साजन, जब क्लास लगी थी मामी ना वहाँ पे चलेगी मूवी देखने, साजन आई थी जब मूवी देख के आने के बाद ना नानी ने सबकी क्लास लगाई थी चकनी से खिलाई। हम आपके कौन तो मामा ने दिखाई ना जब मामा मदनपुर लास्ट। और बाबा जी आपको कैसी लगी? नहीं फिल्म अच्छी लगी, परिवार को देखने के लिए है। मैं सोचा इस बार फैमिली के साथ जाते हैं। और कितने साल हो गए लास्ट कौन सी देखी थी? लास्ट मैंने क्रांति देखी थी। क्रांति कौन सी? क्रांति वो मनोज कुमार। ओ वो तो बहुत पुरानी हो गई। अच्छा 17 बार क्रांति होल में, वो भी शुरू में देख रहे थे ना, तो इसकी मम्मी ने गोदी में थी उसने ऐसा नीचे उतर के अब सिगरेट उठा के चाप गई उल्टी उल्टी, तो जब इनका होगा जाएगा खराब। बड़ी वाली अच्छा सबसे बड़ी बहन गोदी में थी। अच्छा अच्छा निकू की मम्मी गोदी में थी। और ये निकू की भी पहली है पता है, ये कह रहा है मैं इससे पहले थिएटर में कभी नहीं गया। हाँ मॉल में पहली बार देखी है मैंने, मॉल में मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देखी है। शादी से और भी देखी। और मम्मी को कैसी लगी? अच्छी लगी। मम्मी तो देखती रहती है, इमोशनल हो गई मम्मी देखती रहती है। सच में गाइस पिक्चर देखने वाली है मिशन रानीगंज। और इन दोनों को कैसी लगी? देख दे दे भाई अच्छी थी। हमको तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी होगी कम करके बताओ। हमको तो बहुत आपको देखनी चाहिए, आपको भी देखनी चाहिए मिशन रानी रानी। तो गाइस अभी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, तो कुछ खाने पीने के बाद फिर चलते हैं घर, तो चलो पार्टी करके, क्योंकि इसी बहाने एक साथ गेट टुगेदर हो जाएगा ना, फिर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो चलो वेट कर रहे हैं बस, हमारा हमने ऑर्डर दे दिया है। हाँ इतना बड़ा डोसा इतना बड़ा ही होता है। तो गाइस सब फ्री हो गए हैं और रात भी हो गई है, सबने मस्त डिनर कर लिया है, मस्त मजा आ गया आज फैमिली के साथ एंजॉय करके। तो चल रहे हैं पार्किंग में जा रहा हूँ तो गाड़ी लेने के लिए, सब मेन रोड पे ही है, बाहर वेट कर रहे हैं, पहुंच गया पार्किंग। और इसकी बहुत छोटी पार्किंग है, यहाँ है मेरी गाड़ी ये रही। तो पहुंचते है गाइस जल्दी से घर, और जाके मुझे करनी है पेंटिंग जिससे कि मैं अपना काम टाइम पर दूं। अरे यार फोटो मिस हो गई, शिट। मेरा मन था बहुत कि एक फैमिली फोटो ले ले, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार नहीं होती है, फैमिली फोटो ले लेंगे तो मस्त सही रहेगा एकदम, क्योंकि ये यादें ही तो होती हैं। चलो कोई नहीं, अब भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, अब मैं पहुंचता हूँ बाहर
और ये मॉल ना गाइज हमारे घर के बहुत ही पास है, तो शिवम, गोपाल और मम्मी तो वो सीधा चले जाएंगे, मतलब बहुत ही पास में है। ऑटो जो पब्लिक ट्रेवल्स है, ऑटो से मतलब 2 मिनट लगेंगे उनको पहुंचने में, ऑटो में बैठेंगे घर के बाहर उतर जाएंगे, 2 से 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो चलो, और फिर मम्मी पापा को मैं छोड़ते हुए, क्योंकि उनका थोड़ा दूर है, डायरेक्ट कन्वेंस नहीं है वहाँ पर, तो उनको छोड़ते हुए फिर मैं निकल जाऊंगा स्टूडियो सीधा मम्मी पापा को। और साले साहब हमारे मूवी देखते ही फिर वो निकल गए थे, क्योंकि उनको जाना था, तो वो आप लोगों को नहीं दिखे होंगे इसलिए। तो चलो भाई हम पहुंचते हैं, एग्जिट पे हम पहुंच गए हैं। अरे एक पपी सोया हुआ इधर। चलो और गाइस ये एंट्री पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर खड़े हैं सारे, हम मिल रहे हैं सब, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बाय। तो गाइस पहुंच गए हैं, मम्मी पापा को भी छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। चलो जी टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस। चलो आज बहुत टाइम के बाद हमने एंजॉय किया है, मूवी देखी है, फाइनली मम्मी पापा को मूवी दिखा दी है। पर मैं ये कह रहा था कि ना एक चीज मिस हो गई, पूरी फैमिली के एक साथ ना एक फोटो खींचनी थी खड़े करके, ताकि वो फोटो यादगार रहती कि हम ऐसे मूवी देखने गए थे इतने सारे लोग, भाई भी आ जाता ना उसमें, व्लॉग में इतना नहीं आया ना, चलते फिरते भागते दौड़ते तो हम पहुंचे थे, इंटरवल में आके सारे बाहर एक फोटो खींचवा लेते, ये चीज है। चलो गाइस चलते हैं घर, सीधा मिलते हैं आपको स्टूडियो। और गाइस जबरदस्त ट्रैफिक लगा है, देख लो गाइस, जिसने भी हमारी फर्स्ट नाइट की वीडियो नहीं देखी है ना वो जाके देखो, ये गाना उसको देख के ना इमरता को वो याद आता है, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट नाइट पे जो वीडियो शूट की थी उसने ये गाना लगाया। सीधा 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 जहाँ रेड लाइट आ जाएगी वहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट से फिर यू-टर्न मार के सो गाइज फाइनली स्टूडियो पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:30, मतलब हम 7:30 बजे हम पहुंच गए थे, 7:30-8 बजे करीब हम पहुंच गए थे बस। और मेरे पति चेंज वेंज करके भी काम पर लग गए हैं, मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ, आर्टिस्ट देखो ऐसे ही होते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहन के फटे पुराने, पेंट करना है ना इसीलिए तो फटे पुराने कपड़े, जो कि पेंट जिसपे लगे तो वो मैं फटाफट से, आज मुझे थोड़ा पेंटिंग कैनवस नीचे गिरा गिरा के तब पेंटिंग करनी है दूसरी वाली, जो इस पेंटिंग को खत्म करते बस फाइनल टच कर रहा हूँ इसमें, और मुझे पूरी रात हो सकती है पेंटिंग करते करते, तो कल की सुबह शायद मेरी पेंटिंग करते करते निकले ये इसलिए। तो देखो कई बार होता है कि अपने काम तो करने ही है, मेरे साथ ये टास्क होता है कि मैं अपने परिवार को भी कब खुशी दे सकता हूँ, तो यही मौका था खुशी देने का उनको, तो इसीलिए उनको भी मैंने ये मूवी वगैरह दिखाई। वरना बोलने को ये भी हो सकता है कि ये बोल देंगे कि जब इतना सारा काम था तो फिर क्यों गए मूवी देखने, लेकिन टाइम ऐसे ही था कि ऑन द स्पॉट ये चीजें प्लान हुई, और कि भाई अभी सिनेमा डे है और अच्छा ऑफर भी है, पूरी फैमिली जा सकती है, तो 11 लोगों की टिकट बुक कराई, फिर उसके बाद बाहर खाना वाना, मैंने कहा चलो ऐसे मौके फिर नहीं आते, तो इसीलिए काम भी करना है, जिम्मेदारी सारी निभानी, और इसीलिए हमने दिन का शो रखा था कि दिन में देख के अपना शाम को टाइम से सब अपने अपने सब घर चले जाएंगे, हम भी यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली हमें यहाँ आने में 1:30-2 बजते हैं, तो वो आधी रात निकल चुकी होती है, तो इसीलिए बस ये भी काम करेंगे। और मैं अभी तक तो जब तक जाग रही जब तक बैठी हूँ इनकी सेवा के लिए, चाय पानी के लिए, नहीं चाय फिर मैं खुद भी बना लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप सो जाओगे उसके बाद बोल रहा हूँ मैं ज्यादा भी राइट होंगे ठीक है खुद बना लेना, मेरे को भी पिला देना मैं बोल रहा हूँ जब तक आप जाग रहे हो उसके बाद आधी रात में, मतलब 3 बजे मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है जब तक मैं जाग रही हूँ जब तक मैं बैठी हूँ चाय पानी के लिए। हाँ। मेरी बात तो सुन लेते पहले दिल तोड़ देते हो बिल्कुल ही नहीं नहीं अब जाग रहे तो मेरे को टेंशन नहीं लेना, वैसे तो ये भी जाग रहा है अभी तक तो। सो गाइस बस अभी ये काम करेंगे और मैं भी जब तक बैठी हूँ फिर मेरे को भी वैसे नींद आ रही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और जाना है कल घर मावस के लिए, कल मावस है
पितृमावस, तो उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवरात्रि वाले दिन भी शायद घर जाना पड़े सुबह पहली पूजा के लिए, देखते हैं। अभी फिलहाल कल तो जाना है, तो उसके लिए सुबह जल्दी भी उठना है और जल्दी जाना है। तो बस इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप हमारे साथ साथ आपने भी मूवी को एंजॉय किया होगा जो छोटी छोटी क्लिप्स डाली है, पर सच में मूवी अच्छी थी, फैमिली में देखने लायक है, फैमिली के साथ ना, फैमिली के साथ ही मनाने की सोचते हैं, फैमिली को साथ लेके चल के मतलब अच्छा लगता है, जब तक सब है जब तक ठीक है, क्योंकि टाइम का नहीं पता कब क्या हो जाए सच में। तो बस जो पल मिले उस पल को एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, खुशियां दो खुशियां लो। इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और शेयर करे, और पेंटिंग भी कभी कभी बनाते रहे। एक दिन इसकी भी पेंटिंग बनाऊंगा मैं, बहुत शिकायत होती है इसको मेरी पेंटिंग। मैंने तो करनी छोड़ ही दी सच्ची। के बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे। इनको तो मैं बाद में देखूंगी, मैं थकी हुई हूँ।